अबाउट वाइल्ड एंड सोशल मेच्योरिटी स्केल, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ये सारे टेस्ट करते ही होंगे। हाउ मेनी आपके करते हो और कौन करते हैं? आप करते हो जो तरीका बताया उस तरीके से नहीं करते, आप करते हो, आप ही करते हो। किसी भी टेस्ट को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं, मान लो ये नहीं कर रहे हैं, एसएमएस नहीं कर रहे हैं, कोई भी टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले प्रिपरेशन क्या होना चाहिए या किस तरह से हमें टेस्ट को पहले प्रिपेयर करना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है ना, जैसे हम टेस्ट कर रहे हैं या काउंसलिंग कर रहे हैं या साइकोथेरेपी कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें कॉमन होती है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या इम्पॉर्टेंट है ऐसा जो मतलब करना चाहिए या होना चाहिए? स्पेस होना चाहिए टेस्ट के लिए, गाइडलाइंस करने के लिए जो टूल्स है वो होने चाहिए। देखो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, बच्चे का हमारे पास रियल एज होना जरूरी है। और किसी भी टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए बच्चे का सीए, जिसको हम अपने टर्म में सीए कहते हैं, वो इम्पोर्टेंट होना जरूरी है। क्योंकि हम आईक्यू या कोई भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें अगर रियल एज हमारे पास नहीं होगा तो हमारे टेस्ट का जो इंटरप्रिटेशन है या रिजल्ट जो वैरी कर जाएगा, और हो सकता है समटाइम्स वो गलत भी हो जाए। ठीक है, तो हमें रियल एज बच्चे का हमेशा डेट ऑफ बर्थ ही पूछनी चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि हमारी भी रिस्ट्रिक्शंस होती है कि रियल एज हमारे पेरेंट्स को नहीं पता होती, क्योंकि लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, हाँ चार 15-16 साल का होगा, 6-7 साल का होगा, 4-5 साल का होगा, इस तरह से इंफॉर्मेशन देते हैं। तब भी हमें इंक्वायर अच्छे से करना है कि कब हुआ था, किस सीजन में हुआ था, क्योंकि हम जहाँ मैक्सिमम जहाँ वहाँ उसके रियल एज पे पहुँचेंगे सीए पे, तभी हमारा कोई भी टेस्ट का रिजल्ट प्रॉपर आ पाएगा। एंड द सेकेंड पॉइंट, हाउ टू इंक्वायर, कैसे आप इंक्वायर कर रहे हो किसी भी इंफॉर्मेशन को। जैसे सबका मैम ने हम लोग का 3 दिन का सेशन लिया, उन्होंने इंक्वायरी तो बताया कि टेस्ट के आइटम को कैसे इंक्वायर करना है, क्योंकि किसी भी साइकोलॉजिस्ट, किसी भी काउंसलर की जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं, उसकी इंक्वायरी ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर इंक्वायरी इम्पोर्टेंट नहीं होगी तो आपका टेस्ट फिर भी वैरी करेगा, क्योंकि टेस्ट स्टैंडर्डाइज है, आपको वो लिखा हुआ है, आपको वही रीड आउट करना है। और उसको अगर बहुत लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से है तो आप उसको अलग अंदाज में जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन उसका कंटेंट नहीं चेंज कर सकते आप। ठीक है, तो इंक्वायरी मस्ट होती है। समझे, आपका बच्चा खाता है तो क्या बोलेगा वो? कभी कभी खाता है, कभी नहीं खाता है, कभी खाना खा लेता है, सोलह लोगों में होगा। अब फिर आप पूछोगे क्या खा लेता है, अगर आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो या काउंसलर तो आप पूछोगे क्या खाता है, तो फिर कहेंगे नहीं वो तो वो सिर्फ केला खिला देती हूँ, खा लेते हैं। तो आप क्या कर रहे हो कि जब आपने उसके पहले स्टेटमेंट भी खाता है तो गली हाँ खाता है, अगर आपने उसी में ही टिक लगा दिया तो आपका क्या हो जाएगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है कि इंक्वायरी, कि आप इंक्वायर कैसे कर रहे हैं, वो स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम सबकी ट्रेनिंग होती है, इसीलिए हम सबको बताया जाता है कि टेस्ट की इंक्वायरी कैसे करना है। अच्छा, टेस्ट मटेरियल होना जरूरी है जो कि हम लोग बता चुके हैं। और सेकेंडली क्या है कि इन्वायरमेंट सही होना जरूरी है। मान लो बच्चे का, जैसे कि हम लोग अगर फ्लोर पे कर रहे हैं तो उसके लिए टेबल उसपे होना चाहिए कि उसका हाथ प्रॉपरली जा पाए, वो प्रॉपर सेट हो पाए, प्रॉपर बैठ पाए। अगर वो चीजें नहीं कर रहा है तो उसका टेस्ट वैरी करेगा। जैसे जब हम मैम दासी करा रही थी, टेबल पे करा रही थी, तो बच्चा अनकंफर्टेबल था, मैम ने भी यही हमें सजेस्ट किया कि आपको उसकी प्रॉपर सेटिंग टेबल चेयर बच्चे के अकॉर्डिंग एज एप्रोप्रिएट रखना पड़ेगा, तभी आपका टेस्ट सही हो पाएगा, वरना फिर भी टेस्ट वैरी करेगा। ठीक है,
सिटिंग अरेंजमेंट बहुत सही होना जरूरी है किसी भी टेस्ट के लिए, बट हमारी कुछ लिमिटेशन होती है जिसको हम बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन वो हमें करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये तो टेस्ट है, और क्या चीज इम्पोर्टेंट है? जो इम्पॉर्मेंट है वो कौन है, कैसा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों है, मदर फादर तो बहुत सही है, अगर दोनों नहीं है तो मदर होना जरूरी है। या मान लो किसी की मदर नहीं है, डेथ हो गई है किसी की, तो आप उनके साथ जो मैक्सिमम बच्चा टाइम 1.5-2 साल से उनके साथ रह रहा है जिसकी केयर गिवर के साथ, फिर वो होना जरूरी है। ठीक है, एंड